हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करूंगा अदानी पावर के स्टॉक के बारे में। अदानी विलमार्ट के कल रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स के बाद मैंने अदानी विलमार्ट पे जब वीडियो बनाई उसके बाद लोगों के कमेंट्स मेरे पास अदानी पावर की वीडियो के लिए आ रहे हैं। तो अदानी पावर के बारे में आज की वीडियो में बात करूंगा मैं आप सभी के साथ। अगर आप में से किसी की भी पोजीशन अदानी पावर के स्टॉक में है तो उसके लिए क्या होगी राय, या फिर कोई बाइंग करने की सोच रहा है इस स्टॉक में तो क्या ये लेवल्स हैं बाय करने के लिए, इसके बारे में आप सभी के साथ वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। और एक चीज और, मेरे पास एक कमेंट आ रहा है, मेरे कोई व्यूअर है कि आप बोलते हो अपनी वीडियो में कमेंट करिए हम वीडियो बनाएंगे, बट आप बना ही नहीं रहे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि प्लीज थोड़ा पेशेंस रख लीजिए। मैं डेली बेस पे आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ और सिर्फ आप ही के जो कमेंट्स होते हैं उन्हीं पे वीडियो बनाता हूँ, ऐसा नहीं मैं अपने मन से वीडियो बनाता हूँ। तो मैं आपके लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज जो आपका क्वेश्चन है मैं उस पर शॉर्ट बनाऊंगा और आज ही बनाऊंगा, तो आप प्लीज थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेट करिए, ठीक है। अभी स्टॉक के बारे में बात करते हैं अदानी पावर के। देखिए, अदानी पावर के स्टॉक की बात करूं 280 रुपीज के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ है कल की मार्केट में। जब मार्केट में पिटाई देखने को मिली आपको वहां पे पिटाई, इनफैक्ट जो गिरावट थी वो पूरी रिकवर हो गई, स्टॉक फुली एकदम फ्लैट बंद होता हुआ दिखाया। स्टॉक की बात को तो 29 अप्रैल को स्टॉक में ब्लॉक डील्स होती हुई दिखे 270 रुपीज के भाव पे, 26 करोड़ की, 40 करोड़ की भी एक ब्लॉक डील है, मल्टीपल ब्लॉक डील्स कह सकते हैं आप, 21 करोड़ की भी एक ब्लॉक डील है। तो ब्लॉक डील इन स्टॉक्स में काफी चली रही है। अदानी विलमार के जब से रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट्स खराब आए हैं, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आए। स्टॉक कैसा रिएक्ट करेगा वो तो देखने वाली बात है, बट रिजल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे पसंद नहीं आई है। उसके बाद से लोगों के मन में अदानी पावर को लेकर डर बन गया है। इस स्टॉक के बारे में आप सभी के साथ शेयर करूं तो इसमें मैंने जब देखा तो इसमें डिलीवरी तो मुझे बिल्कुल देखने को मिल ही नहीं रही है, केवल लोग सुबह खरीद के शाम को बेच रहे हैं। स्टॉक 280 रुपीस के भाव पे ट्रेड कर रहा है और मैं आपको बता दूं ये स्टॉक करीब करीब एक महीने में आपका जो भागा है ना वो मतलब कुछ अलग ही लेवल है, 63% रिटर्न आपको एक महीने में, और ये ऊपर से करेक्ट भी हो चुका है करीब करीब 10% से ज्यादा। दो महीने के रिटर्न देख लो तो 150% के रिटर्न, और ये मामूली रिटर्न नहीं है, ये बहुत बड़े रिटर्न होते हैं। मार्केट में दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है एंट्री प्राइस, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है ना वो एग्जिट होता है। मैं बताता हूं मार्केट चक्रव्यूह की तरह, यहां घुस तो कोई भी जाता है लेकिन निकलना कब है ना ये सबसे बड़ा पेनफुल होता है। होता क्या है कि निकलने में हमें दो तरीके के प्रेशर होते हैं। पहला प्रेशर होता है हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हम सोचते हैं यार अगर हमने यहां बेच दिया स्टॉक और बढ़ गया तो ये डर रहता है। दूसरी प्रॉब्लम, अगर स्टॉक गिर रहा है तो हम सोचते हैं लॉस हो रहा है अभी रख लेते हैं, और वो लॉस इसी चक्कर में बड़ा हो जाता है। तो ये दो तरीके हैं जहां इन्वेस्टर फंस जाता है, एक तो वो लॉस बुक नहीं करना चाहता कभी खराब स्टॉक में भी, और दूसरा उसे प्रॉफिट कहां बुक करना है ये उसे समझ नहीं आता। होता क्या है कि स्टॉक अगर उसके लेवल से ऊपर है तो जहां ऊपर है ना वहां वो चारों तरफ देखे तो लोग उसे कहेंगे खरीदो खरीदो, तो वो कहेगा यार अभी तो सब बोलने रुक जाओ, फिर वो गिर जाता है स्टॉक। तो ये होती है सिचुएशन, आप समझ गए जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। आप मार्केट में काम कर रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा। इस स्टॉक की बात करूं, जब से अदानी विलमार मींस कल से लोगों के बीच में थोड़ा सा डर बन गया उसके रिजल्ट को देखने के बाद। अब मैं आपसे क्या कह रहा था कि डिलीवरी मुझे मिसिंग दिख रही है। सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। एंड वन मोर थिंग गाइस, अगर वीडियो आपको समझ में आए बेनिफिशियल लगे तो प्लीज को लाइक भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। आपका किसी स्टॉक से लेकर कोई भी कमेंट कोई भी क्वेरी है प्लीज कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो शॉर्ट बनाऊंगा, बट आपको थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करना चाहिए। एक दिन तक का टाइम प्लीज मुझे देना ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं या शॉर्ट बना सकूं। स्टॉक की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा आपसे कहा बहुत बड़े रिटर्न्स बना के थे पिछले कुछ दिनों में, से स्टॉक ने लगभग 150 रुपए से भागना शुरू हुआ है स्टॉक और डबल हो गया है स्टॉक। अभी स्टॉक में डिलीवरी जैसा कि मैंने कहा यस्टरडे मींस की अगर मैं इसकी कल की बात करूं तो केवल 29.56% की डिलीवरी है, डिलीवरी है ही नहीं आप कह सकते हैं, और वॉल्यूम्स बहुत हैवी है, डिलीवरी मिसिंग है वॉल्यूम्स हैवी है। 5 दिन का एवरेज अगर आप ये देखो ना, 5 दिन का एवरेज 31% और 30 दिन के एवरेज में 20% की डिलीवरी निकल रही है बस, यानी डिलीवरी नहीं, यानी पैसा इंसान बना नहीं पाया इस तेजी में क्योंकि खरीदते ही बेचा है उसने थोड़ा सा फायदा होते ही। अब इस बीच में ये स्टॉक लोगों को बहुत ज्यादा बाहर आया कि यार ये तो भागता ही जा रहा है, क्या ये खरीदने वाले लेवल्स हैं? तो आप मेरे से पूछ रहे हैं यार मुझे रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं दिखेगा, मुझे स्टॉप लॉस नहीं दिखेगा इस स्टॉक में, और बहुत बड़े रिटर्न्स दिए हैं इस स्टॉक ने, और अगर करेक्शन मोड में आया तो आपको बेचने का मौका नहीं देगा और आपको बुरी तरह फंसा देगा। आपने फायदा तो 5-5, 10-10, 20-20% कमाया लेकिन आप लॉस सीधे 50% का लोगे। इसीलिए और एक चीज और, जो रिटेल इन्वेस्टर के पास 10-5% की केवल स्टेक है ना, बाकी सब तो प्रमोटर्स और FIIs पे ही है, बाकी जो 5-7% 14-15% के करीब रिटेल इन्वेस्टर्स पे है
वो इस स्टॉक में पैनिक क्रिएट हो जाते हैं, वही सेल कर देते हैं, अपना पैसा बड़ा ऊपर वाले ही बना रहे हैं, मींस कि बड़े लोग, छोटे लोग तो बना ही नहीं पा रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो भी इस स्टॉक में चल रहा है, मुझे लगता है ये लेवल्स आपके लिए फ्रेश बाइंग के बिल्कुल नहीं है। इन लेवल्स पे मैं बाय की सलाह नहीं दूंगा। जिसके पास है मैं उससे कहना चाहूंगा कि आप अपनी क्वांटिटी को मैनेज करें, कम करें, और अपनी रिस्क के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं कितनी आपकी क्वांटिटी, कितनी रिस्क कैपिटाइट है आपकी लॉस झेलने की, अगर स्टॉक बाय चांस नीचे जाना स्टार्ट होता है, क्योंकि सर्किट लग गया तो आप बेच नहीं पाओगे। ये सब सोचते हुए लें, और एक अपने लिए एसएल जरूर मेंटेन करें कि स्टॉक अगर वहां जाए तो आप ये ना सोचो कल से भागने लगे या ये वो, आपको निकलना है तो निकलना है। तो ये आप अपने हिसाब से देखिए, ठीक है। मैं चार्ट पे बात करूंगा तो शायद मजा नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत ऊपर नीचे के लेवल होंगे। आपकी बाइंग का प्राइस और आपका एसएल अपने रिस्क के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए आपको। बट कोई अगर फ्रेश एंट्री लेना चाह रहा है तो मैं उससे कहूंगा आप प्लीज दूर रहिए। तो ये थी मेरी पूरी वीडियो अदानी पावर के शेयर पे। होप आप सभी को समझ में और पसंद दोनों आई हुई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।